नमस्कार, मैं चंचल ठाकुर और आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। जयपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे होटल रामबाग पहुंचे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से निकलने के दौरान उनके साथ वाहन में प्रमुख नेता सवार थे। पहले राहुल गांधी पीछे की सीट पर बैठे, उसके बाद में आगे की सीट पर आ गए। पीछे की सीट पर सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा बैठे थे। हालांकि इस दौरान सचिन पायलट नजर नहीं आए। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई भी राहुल गांधी के साथ जयपुर पहुंचे। कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त भी उनके साथ थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज जयपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राहुल गांधी मानसरोवर में कांग्रेस दफ्तर का शिलान्यास करेंगे, साथ ही सेंट्रल पार्क के पास गांधी वाटिका का लोकार्पण करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस कोर टीम की मीटिंग भी ले सकते हैं।